इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जामिया पे। आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। यहाँ पर आज लगातार कुछ दिनों से मुजाहरा जारी है। आज हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम आजम मलिक है, मैं बिहार से आया हूँ। आज इस प्रोटेस्ट में आप शामिल हुए, इसके बाद क्या कहना चाहेंगे? कि जहाँ न पहुँच पाए गाड़ी वहाँ पहुँच जाए बिहारी। समझ गए, संसद को बीजेपी आरएसएस ने बर्बाद कर डाला, संसद को बीजेपी आरएसएस ने बर्बाद कर डाला, इस खेत को इस खाद ने बर्बाद कर डाला। कहाँ चला है मुकदमा इनका, कौन लड़ेगा केस? ये है तुम्हारा देश शहीदों, ये है तुम्हारा देश। आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार द्वारा जो CAA लाए जा रहे हैं, NPR वगैरह लाए जा रहे हैं, ये आपस में लोगों को तोड़ने का एक साजिश किया जा रहा है, आपस में लोगों को लड़ा रहा है। और ये जब तक रिजेक्ट नहीं होगा, जब तक ये ख़त्म नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग ये आंदोलन करते रहेंगे। और ये जामिया में प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, ये क्या नाम है, MU में नहीं चल रहा है, ये JNU में नहीं चल रहा है, ये DU में नहीं चल रहा है, ये फॉरेन कंट्री तक आवाज़ गूंज रही है, फॉरेन कंट्री में भी चल रहा है। और हम स्टूडेंटों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत में ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था ये क्या है, बीजेपी के सब बीजेपी की है, बीजेपी के लीडर हैं, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चल रही है। मैंने आपको बताया संसद को बीजेपी आरएसएस ने बर्बाद कर डाला, वही है संसद कोर्ट वगैरह सबको बीजेपी ने बर्बाद कर डाला। कुछ मीडिया वगैरह भी हैं जो उस तरीके से मीडिया के एंकर हैं, जो ऐसे खबर बता रहे हैं कि 500 लेके सब आ रहे हैं। आपको बताइए कि मैं बिहार से आया हूँ, यहाँ 500 रुपये के लेके मैं अपना 1500 रुपये का टिकट करवा के यहाँ आया हूँ, और मैं 1500 रुपये के लिए यहाँ हुआ। आप सोच सकते हैं, और आवाम भी जानती है, ये लोगों को बस एक वो टारगेट किया जा रहा है, और लोगों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, और किसी भी कीमत में ये बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें जहाँ भी जाना पड़े हम जाएंगे, और जितना प्रोटेस्ट करना पड़े प्रोटेस्ट करेंगे। 1400 किलोमीटर से बिहार से दिल्ली आया हूँ, तो यहाँ से लेके हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मुसलमान के जो मर्द हैं वो अपनी औरतों को आगे करके खुद घर में सो रहे हैं, इसके बारे में इसके देखिए इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो तो उनके द्वारा लागू किया गया है, तो वो तो औरतों पे और लोगों पे ऐसे फफ्तियाँ कसेंगे कि लोग ना आए, धीरे धीरे ये शांत हो जाए, ये बिल पास हो जाए। लेकिन हम उनके बहकावे और उनके कहने से कुछ नहीं होगा, और हम आएंगे। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आए हुए हैं, और यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के ही औरतें नहीं, और भी कम्युनिटी के औरतें आई हैं। आप उमर खालिद वगैरह जो हैं, JNU के कुछ स्टूडेंट हैं, उनके जो रोहित मेमूला, उनकी जो बीजेपी आरएसएस के गुंडों ने हत्या कर दिया था, उनके भी वो आए हुए हैं, मम्मी आई है। आप सोच सकते हैं कि ये काला कानून है, इसके खिलाफ हर कोई आया हुआ है, हर कोई जगा हुआ है, हर कोई इसको रिजेक्ट करके ही रहेगा। तो आपने सुना कि यहाँ पर मुजाहरीन का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी हम मुजाहरा करते रहेंगे। सरकार हम ये मुजाहरा संविधान को बचाने के लिए है, देश को बचाने के लिए है। अगर मोदी सरकार ये कानून वापस नहीं लेंगे तो हम भी इसी तरीके मुसलसल मुजाहरा करते रहेंगे। कैमरा पर्सन मसूद के साथ मैं नाजिम अली।